Sir, my name is Avni. Myself, Kavya Sharma. Sir, we are from Meerut. Our school name is Radhishyam Larga Saraswati Vidya Mandir. Sir, this is our model, which is based on the second book policy. Sir, this is a plastic of the daily life we use. तो सर डेली लाइफ में यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास एडवांटेज भी है लेकिन उससे जो होने वाले हार्म है वो हमारे डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इन वाले होने वाले हार्म से हम अपने प्लास्टिक से होने वाले हार्म को इन्वायरमेंट से कैसे बचा सकते हैं वो हमें यहाँ देखना है। तो सर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसे रियूज करने का मतलब यहाँ सोल्यूशन निकाला है, हम उसे रोड मेकिंग में यूज़ करें। सर सबसे पहले देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है तो उनके जो प्लास्टिक के वेस्ट को हमने कलेक्ट किया है, यह हमारी वेस्ट प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक को हम क्या करेंगे, वॉश मशीन में डालेंगे। क्या करेगी, प्लास्टिक को वॉश करेगी। सर वॉशिंग होने के बाद हम उसे क्रशर मशीन में डालेंगे। क्रशर मशीन में क्या होगा, प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश होगी। सर ये क्रश होगी, ठीक है सर। क्रशिंग होने के बाद हम इस प्रोडक्ट को, मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर मशीन में। मिक्सर मशीन में क्या होगा, सभी मटेरियल मिक्स होगा। मिक्सिंग होने के बाद एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट आता है। सर जब मिक्सिंग होती है ब्लैक कलर का प्रोडक्ट इसलिए आता है क्योंकि हम इसमें एक केमिकल ऐड आउट करते हैं, बिटुमिन। सर बिटुमिन ऐड आउट होने के बाद एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट आता है, हम उसे ट्रांसपोर्ट में फिल आउट करके रोड साइड पर सेंड करेंगे। अब रोड साइड पर सेंड करके क्या होगा, जो रोड साइड पर वर्कर्स होंगे हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे और इस प्रोवाइड के मटेरियल के प्रोवाइड के थ्रू वो एक स्मूथिंग फाइन बनाएंगे जो कि हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सर।